इट टेस्ट सो यम, सो सरप्राइजिंगली यूं करके इजी पीजी लेमन स्क्वीजी दिस हैक वर्क्स लाइक वंडर। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइव शॉर्ट्स। आई एम स्वीकृति। आई एम अनुकृति। सो वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू ट्राई सम अमेजिंग फूड हैक्स फ्रॉम 5 मिनट क्राफ्ट। आज जितने भी हैक्स हम ट्राई करने वाले वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो सारे हैक्स काम करते हैं। वैसे दिखने में तो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वी डोंट नो कि इफ दे विल वर्क, बट अगर वर्क किया तो बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे हम। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So now our first hack, we are going to try making Nutella filled pancakes. Like Nutella और pancake का combination वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। I am sure कि अगर ये successful होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे हम pancake तो खाते ही Nutella के साथ, लेकिन इसमें Nutella को बीच में डाला गया है, मतलब कि उन्होंने थोड़ा सा process अलग किया है। एक conjoined pancake बनाया, दो pancakes बनाए जो conjoined twins है। Like literally एक साथ दो pancake बना के उसको joined किया गया line से। और फिर उसके बीच में आपको Nutella डालना है, फिर उसे flip कर देना है, फिर वो Nutella ट्रांसफर कर लिया है पैनकेक बैटर को दिस नोजल बॉटल में। देन उसके बाद आपको इस टाइप का डिजाइन में पैनकेक बनाना है, लाइक ग्लासेस में भी। देन लेट इट कुक फॉर सम टाइम। उसके बाद हम लोग एक साइड पे विद द हेल्प ऑफ अ स्पून नुटेला डालेंगे ताकि वो नुटेला फिल्ड बन जाए। देन वी हैव टू फ्लिप वन पार्ट ऑफ इट एंड ये यू नो स्टफ्ड काइंड ऑफ बन गया। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेट्स सी। एंड हाँ, नुटेला काफ़ी अच्छे से फिल हुआ है। So here is our pancake, Nutella filled pancake. वैसे तो ये बन ही गया, दिख ही रहा है। दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे। But ये क्योंकि टेस्ट करके बताएं कि ये कैसा है। वैसे I don't find any reason कि ये अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जैसा normally pancake का Nutella साथ में लगता है वैसे ही लगेगा। हाँ, वैसे ही लगने वाला है। बस साइड में एक और। I am just wondering कि आप दो अलग अलग पैनकेक को बना के बीच में Nutella भी डाल सकते हैं। उन्होंने एक ही तरफ से उसे कुक किया था। It tastes so yummy. Okay, you want to taste it? Okay. अभी फोक लग जाता है अनुकृति को। But I guess कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। And this hack definitely works, but I don't think कि you know why will you make two extra process? ये extra process है। आप दो अलग अलग पैनकेक बना के भी बीच में Nutella डाल सकते हैं। हाँ। So in our next hack, we are going to make चीज चिप्स। मतलब कि डायरेक्टली चीज स्लाइस को कट करके उसे बेक कर दिया गया है। और वो चीज चिप्स बन गया। हाँ, मींस एक्चुअली क्या कि कोई भी चिप्स हो वो चीज फ्लेवर्ड का मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अनुकृति को बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, बट आई रियली लव चीज चिप्स, बट नॉट चीज स्लाइस चिप्स, बिकॉज ये वाला बनाना बहुत ज्यादा इजी है। लाइक चीज के स्लाइस को कट करके उसे बेक कर देना। टाइम नहीं बताया उन्होंने एग्जैक्टली, कुछ बताया नहीं कि कितने देर करना है। तो वी विल आई बॉल इट एंड सी कि हमें कितने देर करना पड़ेगा एंड वी विल टेल यू द रिजल्ट। For making our cheese chips, first of all, we will need one slice of cheese. उसके बाद we have to cut it in four pieces. वैसे four से ज़्यादा piece भी आप cut कर सकते हैं। Anyways, then we have to bake it. Actually, video में कुछ लिखा नहीं था कि हमें कितने देर के लिए करना है. So currently we are doing it for 5 minutes, but it took total 20 minutes to bake. और उसके बाद it is looking like this. I guess अच्छा ही लग रहा है वैसे तो। Here is our chips. और ये जैसा उसमें दिखाया गया था वैसे ही कुछ बन गया है। दिखने में तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। I am not sure about the taste. Sukriti will taste it for you guys. Okay. Because Anukriti का बहुत ज़्यादा you know cheese tolerance level ज़्यादा नहीं है। अरे I cannot eat chips ऐसे ही। I don't know but it tastes good but कुछ खास enhance नहीं किया flavor. You can try it. मुझे बहुत बुरा नहीं है but अच्छा भी है। I don't know you should try this or not. I guess I will not make it again. So our next hack is a hack जिसके through हमको पता चलेगा कि हमें mango को proper कैसे cutting करना है। Proper या फिर new way बोल सकते हैं। New way बोल सकते हैं means वो ऐसा तरीका है जिसके through आप like without messy हुए आप spoon से खा सकते हैं mango। तो उसमें basically करना ये है कि आपको mango को half से slice करना है, फिर उसे यूं करके आपको उसका जो गुटली है वो निकाल देना है। उसका एक तरफ होगा विच विल बी वेरी क्लीन जिसका आप स्पून से बहुत इजीली, लेकिन दूसरा तरफ से रहेगा ना।
हाँ, I don't know, वो वाला मेसी हो जाएगा. एनीवेज, हाफ मैंगो तो आप यू नो मेस लेस खा सकते हैं. सो लेट्स सी कि वो वाला हैक वर्क करता है कि नहीं करता है, और वो लिटरली वर्थ इट है कि नहीं करना वैसे. So for making our easy eat mango, first of all we will need a mango. उसके बाद we have to slice it in like this, like अच्छे से कट हो जाना चाहिए वो. Then we have to twist it, और I guess कि मुझे ऐसा लगा कि you know कि थोड़ा messy हो सकता है, so that's why I placed plate beneath it. And yes, I can see that ये काफ़ी अच्छे से work किया है, because जैसा video में था वैसा result तो मुझे लग रहा है यहाँ पर देखने में. So surprisingly, this hack works like wonders. Look at this. कितना अच्छा वर्क किया. मैं वही बोलती हूँ, चलो भाई उनका हैक में कि मैसी नहीं होगा. ये वाला क्या करेंगे? नहीं, मैं बताऊँ कि आई रियली थिंक कि अगर ये गिर जाएगा, आई रियली थिंक कि यू नो अभी हाथ अभी मुझे गंदा नहीं करना, बट यू कैन ट्विस्ट इट. नो रियली, I don't know. I don't think so. I guess slippery होगा तो नहीं हो सकता, but I really think so. कि आप इसे twist करके मतलब हो गया ना, इसे भी ऐसा बना सकते हैं. या लेकिन ये hack काम कर रहा है. तो दोनों हो जाएगा, you know, दोनों mess less mango बन जाएगा, तो आप खा पाएंगे. वैसे I really think ये वाला hack work कर रहा है. One, I'm very impressed with this. We can use this to make kulfi. हाँ, कितना अच्छा लगेगा ना. लाइक इसके अंदर आप लोग कुल्फी आइसक्रीम कुछ भी फ्रीज कर सकते हैं. इट विल बी वेरी फैंसी. लाइक आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो फिर यू नो मैंगो कुल्फी आप ले सकते हैं. वैसे अभी लॉकडाउन तो गेस्ट तो नहीं आएगा, इसलिए एनीवेज आप फ्रीज करके खुद ही खा लेना. बट आई स्टिल थिंक दैट दिस हैक रियली वर्क्स. सो थम्स अप टू दैट. So in our next hack, we are going to make a number using number ही है ना, number using sugar. Actually उन्होंने pan पर sugar से draw किया है, number लिखा है उन्होंने, pipe लिखा है. We will try it, उसके बाद उसे melt करके और वो जम के straight आ गया. Like वो cake decoration के लिए, किसी और purpose के लिए use, किसी और shape में भी बना सकते हैं, किसी और shape जिसमें आप चाहे वैसे बना सकते हैं. वैसे अगर बन जाएगा तो आगे cake decoration सब में अच्छा लगेगा. वो depend करता है कि आपको effort कितना लगता है. Like you know अगर बहुत ज़्यादा difficult होगा ये करना, तो I don't think it will be worth. You can use chocolate. हाँ, you can use chocolate, but still अगर वो बहुत ही easy peasy lemon squeezy होगा तो फिर आप use कर सकते हैं. And people will ask कि ये कैसे बनाए. First of all, let's take our brown sugar. उसके बाद we have to pour some spoons in a pan. उसके बाद we have to make a structure. हम लोग 5 बना रहे हैं. वैसे it is quite difficult to make, like it took some amount of time. Then इसके बाद we are switching the flame ताकि वो burn ना हो जाए. And you can see that it is melting. And after melting ये shape थोड़ा सा खराब हो रहा था, so we used a spatula to retain the shape. And after cooling it out completely, we tried to take it out. And you can see that काफ़ी अच्छे से आ गया ये बाहर. And it is looking quite good. Like मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये proper shape बना है. So I guess this is working. So here is our result. वैसे ये मुझसे अभी टूट गया. ये अभी टूटा अनुकृति से, वरना ये बहुत ही ज़्यादा proper आया था. वो लोग बताते हैं कि हमने 5 लिखा था. I mean we tried to write 5, but ये S लग रहा है. S for स्वीकृति, so we are not having any problem. 5 तो लग रहा है. हाँ, 5 लग रहा है. लग रहा है ना? S भी लग रहा है. लाइक अगर मेरा बॉस भी हुआ तो इसके ऊपर ऐसे रख सकते. बट यू नो व्हाट, दिस इज बर्न शुगर, इट इज नॉट एडिबल. बर्न शुगर टेस्ट वेरी बिटर. इट टेस्ट वेरी बिटर, मतलब कि ये तो आप खा नहीं सकते. ट्राई दिस इवन इफ यू मेक इट, लाइक यू नो आपका टेस्ट पूरा खराब हो, यू विल हैव टू ईट केक आफ्टर दैट. बट फिर भी ये वाला हैक जो है बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क किया. मींस यू हैव टू टेक वेरी गुड क्वालिटी ऑफ नॉनस्टिक पैन. इसलिए हमारा तो बहुत ही इजीली बन गया, लेकिन फॉर स्लिपिंग हम लोग हाफ में भी यूज कर रहे थे. हमने ब्राउन शुगर यूज किया, वीडियो में भी ब्राउन शुगर यूज किया था. सो आई गेस कि व्हाइट शुगर से भी शायद सेम रिजल्ट ही आए. शायद सेम रिजल्ट ही आएगा. आई डोंट नो, बट ब्राउन शुगर से तो विल यू ट्राई इट अगेन? नो, आई विल नॉट ट्राई इट. आई विल नॉट. आई विल नॉट. आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग ट्राई करेंगे या नहीं. सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. हमने आज के सारे ही हैक्स ट्राई कर लिए, और सारे हैक्स ऑलमोस्ट सारी हैक्स वर्क कर रहे हैं. सब कुछ वर्क जरूर कर रहा था, बट वही बात है कि लास्ट वाले हैक वी विल नॉट ट्राई दैट अगेन. वो मैंगो वाला हैक आई गेस वी कैन ट्राई अगेन. एंड दैट चीज चिप्स I will not make it. हाँ, actually वो एक मुझे अच्छा लगा, but still even I don't think I will make it. But if you are you know damn crazy for cheese baby, then you can try it. और इससे पहले pancake वाला, yes pancake hack was also very good. मुझे वो काफी अच्छा था. हाँ, so in short हमारे सारे ही hacks बहुत ज़्यादा अच्छे work किए. आप लोग भी comment करके बताइए कि आपका favorite hack कौन सा था इन सब में से. और we hope कि आपको ये video ज़रूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो इस video को ज़रूर like कीजिए, share कीजिए अपने friends and family के साथ, और comment करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि हम जब भी वीडियो डालें
जाए सबसे पहले आपको पता चले. एंड डोंट फॉरगेट वी पोस्ट वीडियो ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे. और अगर अभी तक आपने हम दोनों को हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ हमारी आईडीज आपको दिखाई दे रही होंगी. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर सेकंड चैनल दैट इज मिस्टर ट्विंस. सो नाउ वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय. नमस्ते.